हाँ जी, ये मिस आउट हो गया था. पवन जी हु इज बीन द स्टार ऑफ द इंडस्ट्री एट द सेम टाइम सिंगर ऑफ भोजपुरी, जिन्होंने लॉलीपॉप जैसे गाने से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पे फेमस कर दिया है. सो ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड सिंगर, ही इज़ आल्सो अ गुड एक्टर. और उनके साथ में कई सारी बहुत अच्छी फिल्में मैंने की है, जैसे प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, एंड आई रियली लाइक द वे ही हैज़ इवॉल्व्ड एज एन एक्टर. तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन हु हैज गॉट द अवार्ड्स. बहुत लोगों के नाम शायद मैं मिस कर रही हूँ. उनका तो मुझे नहीं पता कि वो इन्वाइटेड थे या नहीं, लेकिन मुझे निशांत जी ने कनेक्ट किया था और पूछा था, परफॉर्म भी करने के लिए बोला था. बट लास्ट मिनट थोड़ा पॉसिबल डिफ़िकल्ट हो जाता डेट्स, क्योंकि आप जानते हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री थोड़ी सी रिजिड है इस मामले में, क्योंकि उनके शोज़ के जो टेलीकास्ट डेट्स होते हैं वो बहुत कट टू कट चलते हैं. सो कहीं भी डेट्स देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता अनलेस एंड अनटिल आप उनको एक डेढ़ महीने पहले एडवांस में नोटिस ना दो. तो इसीलिए मैं डेट नहीं दे पाई. बट ऑफकोर्स येस, इट्स अ ब्यूटिफुल अवार्ड शो. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अभय भैया को, याशी फिल्म्स को, कि उन्होंने एक अलग लेवल पे भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रेजेंट किया है ऑन वर्ल्ड लेवल. हर बार उनका अवार्ड शो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली होता रहता है, एंड इट इज़ बिकम एवरी ईयर बिगर देन इट वॉज बिफोर. सो या, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम, एंड आई एम ऑलवेज देयर इन द टीम. मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं इसी में मेरी जीत है. तो अगर परफॉर्मेंस होता तो धमाल तो ज़रूर मचाते. और नो डाउट हम लोगों ने भी मिस किया कि हम अवार्ड शो का पार्ट नहीं बन पाए इस साल, बट नेक्स्ट ईयर श्योरली वी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट.